वुमेन्स एशिया कप में नेपाल का सबसे बड़ा मुकाबला आज। नेपाली खिलाड़ियों के लिए मुकाबला करो या मरो का। दिग्गजों से सजी भारतीय टीम से होगा नेपाल का महामुकाबला। जीते तो सेमीफाइनल में प्रवेश की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, हारे तो भगवान भरोसे होगा एशिया कप का सफर। यूएई को हराकर नेपाली महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप में शानदार आगाज किया था, लेकिन पाकिस्तान के साथ मुकाबला हार कर नेपाल का सेमीफाइनल में सफर बेहद मुश्किल हो गया है। नेपाली महिला टीम को अगर सेमीफाइनल में प्रवेश करना है तो उसे हर हालत में भारत के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। इसके लिए इंदु वर्मा की कप्तानी में नेपाल टीम को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। भारतीय महिला टीम ने T20 एशिया कप 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया है। टीम ने अभी तक दो मुकाबले खेले हैं, दोनों में ही जीत दर्ज की है। पाकिस्तान को भारत ने 7 विकेट से हराया था तो यूएई की टीम को 78 रनों से शिकस्त दी थी। दो मैचों में 4 अंक हैं भारत के, वहीं सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए भारत सिर्फ 1 कदम दूर है। वहीं दूसरी तरफ नेपाली महिला टीम ने T20 एशिया कप में पहला मुकाबला यूएई से जीता जबकि दूसरा मुकाबला पाकिस्तान से हारा। नेपाल के पास इस वक्त 2 अंक हैं, वो ग्रुप में 3रे नंबर पर मौजूद है। उसका रन रेट 0.819 है। अब अगर नेपाल टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना है तो पहले उसे भारत के खिलाफ बड़ी जीत हासिल करनी होगी। उसके बाद उसे दुआ करनी होगी कि पाकिस्तानी महिला टीम अपना आखिरी मैच यूएई से हार जाए। नेपाली महिला टीम इंदु वर्मा की कप्तानी में पहले मुकाबले में शानदार खेली थी। दूसरे मुकाबले में कविता जोशी और सीता राणा मगर ने बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी की, लेकिन बाकी बल्लेबाजों का उन्हें साथ नहीं मिला। इस बार समझाना खड़का, कविता जोशी, काजल श्रेष्ठ और रूबीना छेत्री जैसी दिग्गज बल्लेबाजों से उम्मीद होगी कि वो भारत के खिलाफ बड़ा स्कोर खड़ा करें। इसके साथ ही इंदु वर्मा को गेंदबाजी में खुद मोर्चा संभालते हुए भारत को सस्ते में निपटाना होगा। नेपाल के लिए ये राह कहीं से आसान नहीं है, क्योंकि भारत के पास हरमनप्रीत, स्मृति मंधाना, सेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्स, ऋचा घोष जैसी दिग्गज बल्लेबाजी लाइनअप है जो किसी भी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा सकती है। ऐसे में नेपाल को बेहद सजग होकर खेलना होगा। पूरी आक्रामकता के साथ ये सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम विकेट खोए बगैर बड़ा स्कोर खड़ा करें और उसके बाद भारतीय टीम को अच्छी गेंदबाजी से सीमित करें। नेपाल के लिए मुकाबला करो या मरो का है, लेकिन अगर बड़ा मुकाम हासिल करना है तो नेपाल की महिला खिलाड़ियों को इस आग के दरिया को फतह करना ही होगा। बस एक जीत नेपाल की उम्मीदों को पंख लगा सकती है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।